टिकट के पैसे भी नहीं थे। फिर रात को 12 बजे मैं जुहू से लेके साइन कोलीवाड़ा तक पैदल गया था। नया नया था मैं ऐसा करके, मेरी शुरू हुई थी तो मैंने जैसे होता है भी, सर मेरा क्लोज भी लेंगे आप, उन्होंने मेरे को गाली दी, तेरा क्लोज क्यों लूंगा मैं। बहुत हर्ट हुआ था। सॉरी सर, पानी ले लीजिए। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ जी, चलो छोड़ो यार। चलो थोड़ा लाइट करने के लिए, हमने देखा आप पार्टियां बहुत करते हो। वेल नॉट एट ऑल इज द हसीना, अगर ठंड है मैं उस ऑल इज द। मैं रावण के दरबार में लड़की बनके नाचता था। क्या 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 पिटाई होती थी घर में बहुत ज्यादा, कहता भल्ला खानदान का नाम जो बोल रहे तुम, मतलब ऐसे नाचते हो जाके ऐसे ऐसे करते तुम मेरे। बाजू में बैठे मेरे को लगता है लपी लूथरा बैठी है। थोड़ा सा कुलजी का कुलभूषण खरवंदा का हो जाता था। एक बार करोगे सर? तो किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं रबड़ी है, कहते जी इतनी गाड़ी नहीं है। तो सर FIR 2 कब आ रहा है वापसी? ये आई बात बॉस। तो आज हमारे स्टूडियो में है हसीनाओं के देवता लप्पी लूथरा के बॉयफ्रेंड गोप्स, जिनको पता ही नहीं है कि उनकी फॉलोइंग है कितनी। Well, इससे पहले ले ले मॉम कोई एक्शन इज द, मैं देता हूं अपना इन्फेक्शन इज द इंट्रोडक्शन। या दिस वन गोप्स, हाउ इज द आर यू इज द? Well, नॉट एट ऑल इज द हसीना, अगर ठंड है मैं हूं शॉल इज द। ये बड़े बड़े बना रहे हो ना? हाँ, बने बने हलवाई जैसे बैठते ना, हलवाई जलेबी निकाल लेता है, लड्डू बना लेता है, बैठे बैठे ऐसे मैं बना लेता हूँ। आप इंग्लिश तले जा रहे हो। लप्पी लूथरा का क्या सीन है सर? लप्पी लूथरा कभी दिखी नहीं है, कौन ये लप्पी लूथरा सर? या लप्पी लूथरा मतलब वो हमेशा दिखाते हैं, ये चंद्रमुखी चौटाला कहती थी आज कहाँ गया था, लप्पी लूथरा को मिलने गया था, ये है कहा बड़े बाल बुल बनाए हैं, लप्पी लूथरा से मिलके आ रही है, लेकिन इतने सालों में कभी लप्पी लूथरा को दिखाया ही नहीं गया है, मतलब ऐसा करके है। तो कई बार जैसे कोई भी लड़की मिलती है, जैसे आप बाजू में बैठे मेरे को लगता है लप्पी लूथरा बैठी है। गोप्स, दिस इज द सीक्रेट इज द। ओह या दिस वन। पर मुझे लग रहा है ये वीडियो इज द वायरस इज द। हाँ, ये वायरस का काफी हो रहा है। वायरस, वायरल, वायरल। हाँ या दिस वन। अरे यार मेरे डायलॉग बोले कुछ छोटी हो यार कमाल। आपने जो बोला ना स्टार्टिंग में इन्फेक्शन इज द, वो इन्फेक्शन हो गया। बात तो सही है, आई थिंक आपका कैरेक्टर ऐसा है, जो भी जिसने भी FIR देखा है, जैसे हम बता रहे थे आपको, सब लोग पूरे इतने फैन हुए पड़े ऑफिस में, सब लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे आपसे वो डायलॉग्स बुलवाए जाए। आपका अभी हम बता रहे थे आपको कि फैन अकाउंट्स इतने सारे हैं आपके, आपको पता है ये मीम्स की दुनिया में आप बादशाह हैं। पता नहीं मुझे लोग बताते हैं, बेटा बताते हैं, जैसे आप लोग बता रहे हैं ऐसा करके। अभी मैं एक्चुअली ज़्यादा ना मेरे को ऑपरेट नहीं करना आता, वो सब बेटा कर देता, वाइफ कर दे, ये अच्छी बात है, लोगों का प्यार है ये। मतलब तो आपके जो कैरेक्टर, आपने कहा राइटर राइटर एक ही थे, पर आपका कुछ इनपुट रहा होगा ना कि ये, जैसे अब आपको पता है अपना कैरेक्टर, तो शो पे भी कौन सी चीजें थी जो लिखी हुई थी, कौन सी जो आपने खुद की? हाँ, कुछ जो शुरुआत में था तब ये नहीं था, राइमिंग नहीं थी, मतलब ऐसी सीधा साधा कैरेक्टर था ऐसा करके। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही ना कुछ पता नहीं मुंह से निकल गया मेरे वायरल। तो जो हमारे डायरेक्टर थे, हमारे डायरेक्टर की एक बड़ी खूबी थी, कोई भी चीज़ वो पकड़ लेते थे, भी गोपी ऐसे करेगा ऐसे करेगा, मैं जैसे करता था ना या ये सब, मतलब इतनी चीज़ भी मतलब डायरेक्टर साहब करवा देते थे हमें, या कुछ हमारा इम्प्रोवाइज वहाँ पे पूरी छूट थी हमें। हाँ। भी ए, बस ये दायरा है, इससे बाहर नहीं जाना है और ये मतलब करना है, बाकी इम्प्रोवाइज तो निकल जाता है, जैसे बैठे बैठे हैं मतलब बातें निकल जाती हैं, ऐसे ही निकल जाता था, लेकिन वो रख लेते थे ऐसा मतलब करके। होना ही पड़ेगा एक सीन में, गोपी गोप्स टेबल बने पड़े हैं। दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। गोप्स आए बेबे। उस शॉट में टेबल क्लॉथ है, आप सीन देख रहे हैं टेबल क्लॉथ है, अचानक से टेबल क्लॉथ हटता है, गोप्स है अंदर वो बैठे हुए, क्योंकि मुजरिम को पकड़ना है, मुजरिम के घर में नहीं पता कि वहाँ, आप एक वाइट जो मिडिल क्लास टेबल क्लॉथ होता है ना, जो छेद वाला, वो टेबल क्लॉथ रखा हुआ है इनके ऊपर, और वो हटाते हैं और गोप्स होते हैं, मुजरिम को पकड़ लेते हैं। काफी सर्च किया यार, हम बहुत बड़े फैन है सर, रजिस्ट्री करके बैठे हुए सर हम लोग। एक एपिसोड में तो था कि सर को प्रूव कर रहे हैं कि ये जवान है, ठीक है, बहुत प्रूव कर रहे हैं मतलब, एक्सक्यूज मी, वही फिर बाद में बताया गया कि सर तो जवान है ही, क्या करना है इसमें? एज क्या है सर आपको?
ये नहीं पूछ रहा. Wrong is the question is the. Yes is the. No comments please. मैंने तो आप ये बताओ यार आप इतनी लेट क्यों हैं, इतनी लेट तो गोविंदा भी नहीं आता आजकल. मेरी सर FIR हो गई थी. ओके ओके प्लीज कैरी ऑन. वैसे ये बहुत ही वो है, गोपी पे असली में कभी हुआ है FIR? नहीं नहीं चुप चुप बोलो यार, मैं कोई ऐसा करके नहीं कभी नहीं मैनिफेस्ट नहीं कर रही मैं, नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी. और कभी ऐसे होता है ना कोई अगर टकर गया हो, कोई बोलता अरे कांस्टेबल साहब, अरे हुआ तो नहीं, नहीं मैं उधर अपने अपना फॉरवेगेड है ना मड़ को जाते हैं, हाँ, वहाँ पे एक पुलिस की जीप खड़ी रहती है, तो पीक पे था FIR, तो वहाँ पे ना दो तीन हवलदार साहब खड़े थे, तो मैं उधर से जा रहा था, तो उन्होंने बोला ए इकड़े, उन्होंने बुलाया इधर आओ, मैं चला गया. कहते तुम कैसा काम करता है, तेरे को अपना बेल्ट नहीं संभाली जाती, केस क्या संभालोगे, हमेशा बेल्ट कैसे ऐसे करते रहते हो, ऐसे करते रहते हो. फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा मेरा करेक्टर ऐसा है, वो करता रहता है ऐसा करती है. कहते नहीं नहीं हम तो मजाक कर रहे हैं, आप तो आपका सीरियल तो हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा, हम हंसते हैं, मजा आता है. सर ये कितना मुश्किल रहता है कि एक अभिनेता जो होता है उसकी एक इमेज बन जाती है, जैसे इंटरनेट आपको याद रखता है, वो आपको एज ए कॉमेडियन याद रखता है कि कॉमेडी कैरेक्टर आप बहुत अच्छा करते हैं, बट हो सकता है कि जैसा आप बता रहे हो कि थोड़ा सा ग्रे शेड वाला कैरेक्टर, थोड़ा सीरियस कैरेक्टर, थोड़ा विलेन वाला कैरेक्टर भी आप कर सकते हैं, कभी अंदर में चुभती है ये बात? बात मैं हाँ चुभती तो चुभती नहीं है, मतलब एक मन में आता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, दो डायरेक्टर एक राजेश बब्बर और एक समीर कुलकर्णी डायरेक्टर हैं काफ़ी टेलीविजन के, तो कहते गोपी जब मैं इमोशनल सीन बहुत अच्छा करता हूँ, मतलब इमोशनल सीन दिया जाए मैं बहुत अच्छा करता हूँ. उन्होंने मैंने कहते गोपी जी आप 2-in-1 है, आप इमोशनल सीन भी कर सकते हैं और कॉमेडी भी कर सकते हैं. कॉमेडी करनी सबसे मुश्किल काम है, बिल्कुल रस्सी पे चलने वाली बात है, भी आपकी थोड़ी सी भी टाइमिंग इधर उधर हो ही तो हंसेंगे नहीं लोग. पर बंदा कहता हंसते क्यों नहीं है यार, मतलब हंसी नहीं आई इनको, पर टाइमिंग इज अ मस्ट. कॉमेडी रोलेंगे आप ग्रीसिंग डाल लेंगे आंखों में ऐसे कर लेंगे, तो मतलब क्या हुआ सही नहीं रोया मैं सही रोए ऐसे ऐसे कर लेंगे, मतलब यार मैं रो के दिखा रहा हूँ आप हंस रहे हैं, रुला के भी आप हंसा रहे हो. नहीं, मैं नहीं नहीं मैं अभी TVF के लिए वो किया है अपना कोटा फैक्ट्री, तीसरा सीजन आएगा, छोटा सा रोल है, लेकिन मैं जब ऑफिस में गया उनके इतना प्यार इतनी मोहब्बत, जैसे आप लोगों ने प्यार दिया मुझे, इतनी रिस्पेक्ट दी प्यार दी, वहीं पे सेम स्टाफ पूरा मतलब ऐसे कर खुश हो गए कि सारे आगे भी आप आए अभी, मैं कहा आप मुझे गोद ले लो. कहते ले लिया गोद, जितना स्टाफ था बड़े खुश हुए. कितने विटी हो यार आप, बहुत विटी हो, बैठे बैठे आप जोक सी क्रैक कर रहे हो कब से, इसी के पैसे मिलते हैं. आप भी लिख लेते थे अब मैं समझ गई. नहीं 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 इसी के पैसे मिलते हैं, फसा दो यार कुछ करके क्या. बट ये एज ए इंसान आप बहुत जिंदा दिल हैं सर, बट कभी आप भी आपको भी तो किसी चीज का हर्ट फील हुआ होगा कि हाँ भाई कुछ बात ऐसी है जो दिल में लगी होगी, कभी कुछ ऐसा याद आ रहा है कभी आपने सीरियस कर दिया, बात बातें तो बहुत है, बहुत बेइज्जती हुई है जिंदगी में, बहुत लोगों ने आपकी बेइज्जती हुई है, मेरी बेइज्जत किया गया, मतलब ऐसा करके सब. एक फिल्म थी स्मगलर, धर्मेंद्र थे उसमें, वो था उसके नया नया था मैं, ऐसा करके मेरी शुरू हुई थी, तो मैंने जैसे होता है भी सर मेरा क्लोज भी लेंगे आप, तो उन्होंने मेरे को गाली दी तेरा क्लोज क्यों लूंगा मैं. बहुत हर्ट हुआ था, तो बहुत मतलब ऐसे ऐसे. एक और डायरेक्टर हैं, मैं मतलब नया था, मतलब नया नहीं मेरा अमानत सीरियल आ चुका था ZTV पे, वो मतलब मेरे को मिल गए वहाँ पे JW मेरिट में, मतलब एक होता भी डायरेक्टर मैं काम भी कर चुका हूँ उनके साथ, ये सब मैं उनके ऐसे ही गया हेलो करने को, अरे ऐसे मुझे सॉरी सर पानी ले लीजिए. ठीक है पार्ट ऑफ लाइफ है. हाँ जी चलो छोड़ो यार. चलो थोड़ा लाइट करने के लिए, आपने आप हमने देखा पार्टियां बहुत करते हो. इंस्टाग्राम पे महिला मित्र सबके साथ फैन फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग सारा बुला के ऐसे
हाँ वो एक्चुअली ना एल्बम, एक एल्बम रिलीज हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो वो फोटो थी जहाँ पे कन्या है चारों तरफ, जहाँ पे हसीनाओं का देवता बीच में खड़ा है, तो वो था दैट वन। आप जिस तरह के कैरेक्टर करते हैं, अब रियल लाइफ में आप कैसे हो पता नहीं सर, लेकिन स्क्रीन पर तो दिल आधे घंटे से बातें कर रहे हैं, पता नहीं चला मैं कैसा हूँ। नहीं दिल फेक आशिक वाला ये आपके एक इमेज तो है सर ऑन स्क्रीन, तो कभी ऐसा हुआ कि लप्पी लूथरा की वजह से घर में फिर कुछ हो गया, ड्रामा हुआ, या मैडम की तरफ से कुछ अल्टीमेटम मिला हो कि कौन है ये लप्पी लूथरा, कुछ ऐसा हुआ कभी? हाँ क्या, मैं बच्चों में और लड़की में बहुत फेमस हूँ, मतलब फैन फैलो मेरी जो है, मतलब बच्चों में और ये सब लड़कियों में तो है भी, आंटियाँ भी ऐसी भी बात नहीं है, तो प्यार है उनका, मोहब्बत है, लेकिन ये बस यही है, बाकी तो घर में तो बड़ा अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है माहौल, कोई ऐसी ऐसी बात ही नहीं होती जिसके लिए कोई ऐसी बात हो, हंसाता रहता हूँ उनको भी मैं, कहते कभी तो सीरियस हो जाए करो, मैं कहा इसके तो पैसे मिलते हैं मुझे। पर शो में भी मैंने देखा आपको डांट पड़ती रहती है बहुत ज्यादा। हाँ डांट चंद्रमुखी बहुत डांटती थी मुझे, कहीं तो चला जा, छोड़ के चला जा यहाँ से, कहता चला जाऊँ अगर इतने पेंडिंग केस ना हो, मैं कब का चला गया होता, और इसका कुछ नहीं किया आज तक, आता है चाय पीता है अखबार पढ़ता है, कोई केस कोई लेडीज आ गई उसको देख हाय बेबे कुछ ऐसा कर, बेटी आ बेटी कुछ ऐसा बोल देते हैं, मतलब ऐसा करके कुछ नहीं है, बैठता था बस चाय वाय पीता था और कुछ नहीं है, 10 साल तक कोई एक भी केस नहीं सुलझाया इस बंदे ने, और पूछती है कई बार तेरी गर्लफ्रेंड को ना क्या ना कुकी खरबंदा फलानी टंडन लप्पी लूथरा ये वो, चैनल कहता अब बता अपनी वाइफ का नाम बता, कहता वाइफ का नाम कहता तो वाइफ का नाम नहीं पता, कहता था पता था क्या था, कहता हाँ राणो राणो नाम था करके, तो मतलब ये सब भी सब कुछ लिखा गया था कैरेक्टर का। हाँ सब लिखा गया, बहुत ही अच्छी राइटिंग थी शो की। बाद में फिर मनोज संतोषी भी आ गए थे एंड में, उन्होंने भी जो भाभी जी करके लिखा अच्छा सब, बहुत मतलब 10 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला, मतलब सेट का माहौल तो अलग ही होता है। अरे बहुत मतलब मजा, कविता कौशिक भजिया बनाती थी, भजिया बना सेट पे, वहाँ हमारी किचन थी ना जहाँ चाय वाय बनती थी, वहाँ पे भजिया बनाती थी, फिर शाम को भेलपुरी और गोलगप्पे ये सब खाना है सर, बढ़िया मतलब सब रल मिल के, मतलब पिकनिक होता था वो ऐसा करके ना, मतलब और डायरेक्टर हमारे ऐसे थे शशांक वाली जी, मतलब लंच से पहले इतने सीन करने हैं और 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटे का लाइट मैन अपने स्पॉट बॉय दादा सब सो रहे हैं आराम कर रहे हैं, फिर उसके बाद सीन कर, कैसे टाइम निकलता था मतलब, जबकि टीवी में ऐसा होता नहीं है। नहीं टीवी में तो एकदम, अरे मैंने तो वो दौर भी देखा है, जैसे जाते रहे सेट पे, सर ये सीन लंच से पहले के हैं और ये लंच के बाद के, थप्पड़ आ गए जो करते पढ़ लो इसको भी हर करके, इतना काम होता था सही, लेकिन नहीं काम बड़ा क्या ना, माहौल आपका क्या है, सेट का माहौल क्या है, काम जितना अच्छा माहौल होगा ना उतना अच्छा, मतलब रिलैक्स एनवायरनमेंट, रिलैक्स एनवायरनमेंट वो दिखता है स्क्रीन पे। पर टीवी के बारे में सब ये सब जो सुनने में आता था पहले सर, कि लोग वहाँ पर काम करने का माहौल बहुत टॉक्सिक होता है, 24 घंटे लोग काम करवाते हैं, डबल शिफ्ट में काम होता है, ऐसा कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत ही मतलब कि खाने का टाइम नहीं मिल रहा है नहीं, परिवार के लिए? नहीं ऐसा नहीं होता था, जैसे कोई स्पेशल दिवाली का है कोई कुछ ऐसा फंक्शन है उसके लिए स्पेशल हमारा एपिसोड बनता था, उसके लिए रात के 2 बजे तक हम शूटिंग करते थे, तो ऐसा करके था, तो वो था कभी कभी नहीं तो 9 to 9 हमारी शूटिंग होती थी, कोई चक्कर नहीं ऐसा करके, बढ़िया था। चलो और भी पूछ लो। ये सो सर ये जो मॉम बोलना शुरू किया आपने, मम्मी जी, मॉम्स, जनाब, ये ऐसे ही सेट पे ही निकल गया या फिर ये भी डायलॉग के पार्ट? नहीं मम्मी जी तो मैं हाँ जी मम्मी जी तो बोलते ही बोलता था, और जब ज्यादा ही लाड़ में आ जाता था फिर हाय वेल मॉम, वो कहते मैं तेरी पोती की उम्र की हूँ, मॉम कहता है, लेकिन वो चीज क्लिक हो गई, लोगों को पसंद आता था, मम्मी जी बोलता मम्मी मॉम मॉम, अरे क्या रे मारती थी आगे पीछे से ना ऐसा करके सब, एकदम वाइल्ड, बहुत वाइल्ड। मेरे को आपके बारे में ये भी पता चला कि वक्त था जब टाइम्स मैगजीन ने जो इंडिया के टॉप 10 मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया उसमें एक आपका भी नाम था विद दिलीप जोशी और जेठालाल ये सबके साथ था, तो ये जो जर्नी आपकी 30 साल की रही FIR के अलावा वो जर्नी कैसी रही? आपकी पहले फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला है, मड़ी दा दीवा, मड़ी दा दीवा पंजाबी फिल्म थी ये, एक्चुअली मैंने ये प्ले किया था पृथ्वी थिएटर में, पंजाबी प्ले था, इसको सागर सरहदी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने बाजार फिल्म बनाई थी, चांदनी के डायलॉग लिखे थे, सिलसिला के डायलॉग लिखे थे, यश चोपड़ा जी की काफ़ी फिल्में लिखी हैं सागर सरहदी, उन्होंने ये प्ले प्रोड्यूस किया था, तो पृथ्वी थिएटर में मैंने किया, तो जो हमारे डायरेक्टर आए तो उन्होंने वो रोल देखा, वो फिल्म बना रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, मतलब तैयारी चल रही थी, NFDC की फिल्म थी, तो मेरे को मिले कहते आप ये रोल करना है आपको, हीरो, मतलब मैं कहा मैं हीरो,
कहते हाँ, मैं कहा जी हीरोइन कौन है? कहते दीप्ती नवल। मैं कहा वाह वाह, ऐसा निकल गया मेरे, मज़ा आ गया ऐसा करके। तो फिर ये रोल मेरे लिए मतलब सेलेक्ट हो गया। फिर जब मैं सेट पे गया, राज बब्बर जी मिले, पंकज कपूर जी मिले, दीप्ती नवल जी से मिला मैं, तो ऐसे ऐसे करके बड़ा मज़ा आया। तो ऐसे करके फिर इसको पहली फिल्म मेरी थी मड़ीदा दीवा, तो इसको नेशनल अवार्ड मिला। और बाद में मुझे पता चला एक और खुशखबरी मिली, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर गोपी भल्ला। ऐसा करके सवाल मड़ीदा दीवा में जो आपके कुछ एक दो डायलॉग मेरे को बड़े पसंद आए थे, मैंने देखी फिल्म, तो उसमें कहते हैं कि सारा पिंड मैनू पुछदा रहता है, ठीक है, तो पूछेगा ही कि भांडे तू तो इन्ने वधिया धोना है। हाँ, हाँ, दीप्ती नाल पुछती है भी कुछ कहते भी, कहता उसको कहता है सारा पिंड मैनू अड्डियां चुक चुक के कहता निका सिंह कितने है, निका सिंह कितने है, कहती हाँ तू भांडे च वधिया मांजदा है, कुछ ऐसा डायलॉग था। आपको समझ आया? कहते मेरा नाम निका सिंह था उसमें, कभी सारा गाँव देखता रहता निका सिंह कहाँ है, निका सिंह कहाँ है, ढूंढता रहता निका सिंह कहाँ है। तो दीप्ती नाल कहती है हाँ तू बर्तन इतने से साफ करते ना, ढूंढ देते, ऐसा करके था। सर ये मुझे जानना था कि जैसे अभी का कॉमेडी जो है हमारा, वो ऐसा कुछ फनी उतना हो नहीं रहा है, एफआईआर के बाद भी कुछ ऐसा बन नहीं पाया है जो जिसमें हम देख के बस हम सब कुछ भूल जाए और वो जो स्वीट डिश वाली चीज है वो हो पाए। आपकी शुरुआत जब आपने जसपाल भट्टी के साथ किया, मतलब उनका जो एक स्टाइल था उसके बारे में बता दो। हाँ, फ्लॉप शो, उल्टा पुल्टा, बाकी ये सब क्या कॉमेडी लिखी हुई नहीं, अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। मेरे को बीच में ऑफर आते हैं कि सर ये कॉमेडी है ये है, मैं यार पहली बात तो सुन लो, मैं कहा मैं डबल मीनिंग डायलॉग नहीं बोलूँगा और दूसरा अपनी मैं बेइज्जती नहीं कराऊंगा। उसके बाद कई लोगों ने मुझे बुलाया नहीं फिर। अच्छा, मगर मेरे क्या इतना काम किया है, साफ सुथरा काम किया, अब क्या जरूरत है ये काम करने की, ऐसा करके है तो अच्छा है, अच्छा काम। हाँ, आप जो कह रही हैं मतलब अभी कॉमेडी सीरियल मतलब आ ही नहीं रहे हैं कहीं, नहीं आ रहे हैं, तो फैमिली ड्रामा बना दिया उन्होंने। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, मतलब मैं तो चाहता हूँ भी मैदान खाली पड़ा है, हाँ। कोई कॉमेडी सीरियल बनाए, हाँ। और लोगों को एंटरटेन हो, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, यहाँ भी फंबल, तो OTT आ गया है, तो उस पर वेब सीरीज भी आ रही है, अब तो अच्छी बनने लगी। पहले तो डर ही लगा रहता था, ये फिर वेब सीरीज शुरू किया, घर वाले बैठे हैं, मतलब कौन सा सीन कब शुरू हो जाएगा, बड़ा बंद करो यार सब। अच्छा, पर ये होता है रिमोट से जल्दी जल्दी बंद भी नहीं होता है, तो मतलब बंद कुछ हो जाता है गड़बड़। हाँ, वो उसमें भी बंद करने में फंबल आता बंदे को ना, हाथ से ऐसे से करके सारा बंद होता होगा, फिर होता गया दिस वन। नहीं सर, तो आप जो ये बता रहे हो ना, मेरे को लगता है कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी बनती है उसकी राइटिंग से, इसीलिए मेरे को लगता है कि जो आपका जो कैरेक्टर है या आपके जितने भी कंटेम्प्रेरीज लोग हैं जिन्होंने काम किया, जसपाल भट्टी आज नहीं है फिर भी उनकी बात हम लोग कर रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। आपकी बात अभी भी कर रहे हैं और मेरे को लग रहा है 50 साल तक की जाएगी आपके कैरेक्टर की बात। सर ये आपने मतलब कि अर्जित किया है, सर लेगेसी ये है, तो मेरे को लगता है कि उसके पीछे रीजन शायद राइटिंग का है। आपको क्या लगता है कि राइटिंग पे कितना, क्या राइटर्स को नहीं, पैसा नहीं मिलता है, अच्छे राइटर्स की कमी क्यों है? सर नहीं, राइटर तो अच्छे से अच्छे पढ़े हैं, मुझे समझ नहीं आती भी या तो राइटर कम है अच्छी कॉमेडी लिखने वाले, है ना। पर अच्छा राइटर एक तो पहली चीज है, कोई अच्छी चीज आप मार्केट में लाएंगे ना, अच्छी लगेगी लोगों को, जरूर क्लिक होगी वो, लेके तो आओ आप, मतलब कुछ भी हो रहा है समझ नहीं। एक तो मैं किस्सा बताता हूँ आपको, एक सीरियल कुछ चल रहा था, कौन से चैनल पे चल रहा था, वो मेरी एक्टिंग जैसे मैं स्टाइल में बोलता हूँ वहाँ मेरी कॉपी की जा रही है। अच्छा। भाई उल्टी पुल्टी, हाँ। गलत इंग्लिश बोलना, ये करना, हाँ। उन्होंने मेरे को कॉल किया, कहते सर एक करेक्टर निकला आपसे करना। मैं कह यार मैं एक तो है पहले वहाँ पे मेरी कॉपी कर रहा है, हाँ। पर मैं जाके वहाँ क्या करूँगा, वो ये ना कहे मेरी कॉपी कर रहा गोपी भल्ला। तो फिर मैं कहा यार ये रह नहीं दो, फिर हम अच्छा काम करेंगे ऐसा करके। बाकी जहाँ कह दो ये FIR के करेक्टर की बात कर रहे हैं आप, भी इतना फेमस था ये, फरीदाबाद से एक फैमिली आई थी हमारे सेट पे, सब बैठे थे, कैमरामैन राजा ज़्यादा बैठे थे, कृष्णांग वाली जी बैठे थे, सारे बैठे थे, पूरी फैमिली आई, मतलब बहू उनकी बच्चा था, साल डेढ़ साल का बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा था। तो शूटिंग करते रहे, बैठते रहे, फिर जब ब्रेक हुआ तो कहते हम अपने जो उनके दादा थे, कहते हम अपने पोते का नाम गोपी रखेंगे। अरे वाह। तो कहते जब ये बड़ा हो जाएगा ना हम इनको बताएंगे, एक सीरियल आता था FIR उसमें गोपी करेक्टर करता था। तो ये मतलब इतनी सब कृपा भगवान की, इतना लोग प्यार करते हैं ना, ऐसा करके सब है। मुझे ये लगता है कि जैसे कॉमेडी तो आपने किया, कॉमेडी का इतना वो है, अभी क्या आपको मन करता है कि कोई ऐसे विलन का रोल आपको ऑफर हो? किया था, हाँ विलन किया था मैंने, एक कहानी आई थी सावधान इंडिया पे, मेरे ऊपर थी वो, तो वो बड़ा कंजूस करेक्टर था, बहुत ज़्यादा मतलब ना बहुत ही कंजूस, मतलब गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, ये सब है, तो अपनी पीटता भी है अपनी बेटी को, बेल्ट उतार के ऐसा कोई ये सब चक्कर। वो जब एपिसोड है लोग मेरे तो डांटा लोगों ने, बोले
ये क्या कर दिया? मैं क्या हो गया यार? कहता तुम अपनी बेटी को पीट दो, ऐसा रोल दोबारा नहीं करना है। मतलब जो फैन थे मेरे, फोन उठा के बोल रहे हैं दोबारा ऐसा रोल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, और आप हंसाते भी अच्छे लगते हैं। मैं कहा जी माफी दे दो, गलती हुई मेरे से, मैं दोबारा नहीं करूंगा, नहीं रिस्क नहीं ना ले सकता हूँ ऐसा करके। करना तो चाहता हूँ पर पता नहीं मुझे क्या लोग मुझे कोई देखना नहीं चाहते, देखना नहीं। वैसे कई डायरेक्टर कहते हैं मुझे, मैं जो उसके डायरेक्टर थे ना, साकित यादव थी मेरे ख्याल से, वो मुझे ने कहा मैं गोपी जी आपकी इमेज ब्रेक करनी है। उन्होंने तो ब्रेक कर दिया, पर मेरे तो ब्रेक लग गए थे ना। अभी जब हम लोग शूट शुरू कर रहे थे तो उससे पहले सर बता रहे थे कि अभी फिल्म सिटी में सर शूट कर रहे थे, और इनका एक फैन जो था वो ऐसे ही शॉट के बीच में वो आया और वो हाई करके आपको चला गया। हाँ, हाई नहीं किया था। हम फिल्म सिटी रोड पे शूटिंग कर रहे थे, तो कौन सा सीरियल था मुझे नाम भूल गया उसका, रोड पे शूटिंग कर रहे थे, तो चलते शॉट में बंदा आया, कहना हेलो गोपी, वो हाथ मिलाया और निकल लिया। जब कट होया मैं असिस्टेंट को, मैं कहा यार बोल तो दिया करो किसी की पासिंग है, कहना पासिंग नहीं दिलवाई हमने, कहना आपका फैन था वो चलते शॉट में हाथ मिला के निकल लिया। तो ऐसा हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। ऐसा मतलब अतरंगी फैन आपको कभी और मिला है सर? मतलब कुछ अगर इंसिडेंट याद आ रहा हो आप शेयर करना चाहो। अतरंगी नहीं, मेरे को तो यार जितने मतलब आपको ना एपिसोड इतने मिल जाएंगे पूछो मत। एक मेरे को कॉल आया वहां से, गया से, गया बिहार, बिहार समस्तीपुर, समस्तीपुर, वो वहां से मेरे को फोन आया, मतलब कौन है कौन नहीं मुझे, सीधा फोन क्या कह रहा है बंदा मेरे पे। अच्छा, हेलो गोपी भला जी बोल रहे हैं? मैं हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। कहते कौन? मैं कह आप कौन बोल रहे हैं? कहते मैं विनोद बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है 15 फरवरी की बेटी की शादी पक्की कर दी है हमने, तो ट्रेन आपकी जाएगी कुरला से, तो समस्तीपुर ट्रेन का नाम है, और गया उतर जाइए और सीधा घर पे आ जाइएगा, ठीक है? आ जाएंगे ना? मैं कहा हाँ आ जाऊँगा। कौन है कौन नहीं है भी, ट्रेन पकड़ूंगा मैं कुरला से, समस्तीपुर, मुझे बताया समस्तीपुर एक्सप्रेस, और गया आपको उतरना है, उतर के सीधा घर आ जाना है, ठीक है जी? मैं कहा हाँ ठीक है जी। किसके घर कौन शादी में बुला रहा था आपको? शादी में बुला रहा था ऐसा करके, बहुत भलते भलते। और कुछ और एक एक बार इनॉर्बिट में जा रहे थे हम, मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ साथ में, मेरी वाइफ साथ में, बेटा साथ में, मेरे ब्रदर इन लॉ अमेरिका से आए हुए थे, पूरी मतलब फैमिली जा रहे थे। तो एक आया 10-12 साल का लड़का, कहता और गोपी, 10-12 साल का लड़का, और गोपी, अच्छा मैं देखो सास मेरी मुंह की तरफ देख रही है, ये जो था सारे इंतजाम कर रही है। मैं कहा हाँ बेटे बोलो क्या बात है? वहां तो बड़ा हंसाते हो, आज बड़ा सीरियस हुए हो। मैं कहा बेटा क्या क्या चाहते हो? कहना नहीं वो जरा एक मिनट वो करके दिखाओ ना। बड़ी मतलब मैंने कर दिया, मैं कहना याद दे सुवन। मतलब आपके फैंस भी बिल्कुल ही ऐसे हैं। नहीं तो वो फैंस का ऐसा होता है ना कि उनके नजर में आप हमेशा वो कैरेक्टर ही रहते हो। जब आपको रियल में भी मिलते हो तो अमिताभ बच्चन थोड़ी हाँ ही करते हैं, हर जगह थोड़ी चलता है, शाहरुख खान हमेशा ऐसे थोड़ी कर सकता है, बट फैन एक्सपेक्ट करते हैं कि वही करना, शायद यही उनका प्यार भी है। फैन तो वही भगवान का रूप में कहता हूँ इनको, मेरे को शायद ऊपर वाले ने भेजे इसलिए भी लोगों को हंसाऊं। सबसे पुण्य का काम होता है हंसाना किसी को, आप किसी को खुशी दे दें यार, इससे बड़ी और क्या है। मतलब ये जो अवार्ड है, मतलब ये स्टील का होता है टूट जाएगा, लकड़ी का होता है थोड़ा हिल जाएगा, लेकिन जो लोगों का प्यार है वो सबसे बड़ा अवार्ड है आपके लिए। आप सर बार बार आपने काफी बार बोला है कि क्योंकि पैसे मिलते हैं तो इसलिए करना पड़ता है। नहीं वो जस्ट जोकिंग, मतलब पैसे कुछ नहीं है सर, पर हम जोक नहीं कर रहे। अभी मेरे को कितने मिले हैं? जब आपने FIR किया तो क्या उससे ऐसा हुआ कि अब पैसों का जुहू से लेके एक बार कोलीवाड़ा तक मैं पैदल आया था, किराया नहीं था मेरे पास। कब की बात है सर? ये जब ये मड़ीदा दीवार रिलीज हुई उसकी पार्टी थी, नेशनल अवार्ड मिला था। सागर सरहदी उनका जूह प्रिंसेस बिल्डिंग है अपना, शिव सागर है ना जूह में, उसके बाजू में जयप्रदा रहती थी वहां पे। तो पार्टी वार्टी होगी, सब कुछ हो गया, खा लिया पी लिया, तो नीचे उतरे मैं जेब में देखूं तब चिल्लर थे सभी, पता नहीं बहुत कम पैसे थे, मतलब टिकट के पैसे भी नहीं थे। फिर रात को 12 बजे मैं जुहू से लेके साइन कोलीवाड़ा तक पैदल गया था ऐसा करके। लेकिन जो अभी जो जो FIR ने इसने तो जिंदगी बदल दी। उससे पहले टेकअप हो गया था, अमानत सीरियल आता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उससे हो गया था, पहचान बन गई थी उसमें ना। टीटो सिंह नाम था मेरा। हाँ जी। दो बुआ होती हैं, सुधीर पांडे जी होते हैं अंग्रेज, ऐसा करके सब है। लेकिन FIR ने जो आप पूछ रहे हैं बहुत कुछ दिया, अभी कृपया ऊपर वाले के दो दो फ्लैट हैं, दो दो गाड़ियां हैं, बीवी एक ही है, कोई
बहुत सर, आप जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो सर, ये एक्सपीरियंस आपको हुआ है सर, बट आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मान लो बिहार के कोई गांव में एक बंदा है या राजस्थान के गांव में बंदा है जिसको टीवी इंडस्ट्री में काम चाहिए, अगर उनको बंबई आना है तो क्या वैसे है? मैं वही कह चुका हूँ ना आपको, पहले स्टेज, पहला जो सीढ़ी है स्टेज है, स्टेज पे काम करो आप, चाहे गांव में करो। मैं भी तो गांव में करता था, मैं रामलीला में करता था। अच्छा, अब ये मत को ना कौन सा रोल करता था, मैं रावण के दरबार में लड़की बन के नाचता था। क्या 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 लड़की बन के? रावण के दरबार में लड़की बन के नाचता था और पिटाई होती थी घर में बहुत ज्यादा। कहते तेरे को और नहीं रोल अच्छा मिलता है, मतलब नाचते हो, मतलब भल्ला खानदान का नाम जो बोल रहे तुम, मतलब नाचते हो जाके ऐसे ऐसे करते तुम मेरे। अच्छा, यही डांस आपने फिर एफआईआर में सिखाया? हां, वही से बचपन से चला आ रहा है ये। ये ठुमका लगाता था ना ऐसे ऐसे करके डिंग 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 डिंग, ये वहीं से आया चला हुआ। अच्छा, हां रामलीला में करता था डांस, बोलने सुनाओ ऐसे और नाचो, रावण कहता था और नाचो, ऐसे फेंक देता था माला मूला निकाल के ऐसा करके, फिर मैं भी ठुमता ठुमता चला जाता था ऐसा करके। सब घर में आके पिटाई होती थी और आंखों में ना काजल डाला होता था ना, तो रोना आता था, आंसू ना मेरी शक्ल और भद्दी बनती थी और पिटाई होती थी, मतलब ऐसा करके, और गुस्सा आता था घर वालों को, मतलब कितना भद्दा रो रहा है ये। अब भद्दे रोने, रोने में भी वैरायटी होती है। हाँ, रो तो भद्दा ही होता है रोना। हाँ, तो ये रामलीला से शुरुआत की। अभी घर वालों में तब तो सेटल्ड होगा ना सबका, जो लोग तब डांटते थे। अरे अब तो थम्स अप खुल जाते हैं जब किसी भी जाओ वहां पे, पहले तो कोई चाय भी नहीं पूछता था, मतलब ऐसा करके। तो सर इस उम्र में भी, मतलब जो आपके अंदर जो अभी दिख रही है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मतलब कि वो जिंदा दिली जो आप में दिख रही है सर, तो इसको कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग इसका गलत फायदा भी उठा लेते हैं कि आप इतने साफ दिल के हो, अच्छे हो आप, लेकिन सामने वाला को इसका गलत फायदा उठा के चला गया। बहुत फायदे तो बहुत उठाए हैं लोगों ने, कोई बात नहीं। डबिंग कंप्लीट हो जाती थी, मतलब कहते भी डबिंग कंप्लीट कर दो आपको दे देंगे हम आपका पैसे, तो उसके बाद फोन नहीं उठाते आपका वो। ये तो फिर एसोसिएशन में कंप्लेंट वगैरह करके कुछ बेटर हो सकता है? नहीं, चिंता है। हाँ, है, वो काफी लेते हैं एक्शन वगैरह ऐसा करके। पैसा आपका कितना फंसा होगा सर, जो मिला ही नहीं आपको? गिनती इतने, मतलब प्रोड्यूसर, मतलब ऐसा करके सब है, लाखों में कह लो, जो भी है, लेकिन चलो उन्होंने काम दिया मुझे, सीख है, पैसा आता है जाता है, लेकिन जो उन्होंने मेरे को, शायद उनके काम की वजह से मेरे को किसी ने रिकॉग्नाइज किया हो। ठीक बोला मैंने? ठीक बोला। हाँ, एकदम रिकॉग्नाइज किया हो तो काम आगे से आगे मिलता रहता है ऐसा करके। पैसा पूछा मैं नहीं, मैं अब ना मेरे लिए पैसा कुछ इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, मैं सच्ची बोलता हूँ। मैं देख लो भैया, मुफ्त में काम करवाना हो बुला लेना कभी भी। ठीक है, ओके, डन 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 डन। अभी अभी मैं बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक चैनल से मुझे फोन आया। अच्छा, तो कह रहे सर ऐसे ऐसे करके आपको रोल देख के लिखा गया है, तो मैं पेमेंट भी बताऊंगा आपको। हाँ जी। तो बोला भी हम आपको 8,000 रुपया पर डे देंगे। मैं कहा किसको फोन लगाया आपने? कह रहे गोपी भंडारी बोल रहे हैं। कह रहे हाँ सर 8,000। मैं कहा क्यों दे रहे हो इतने पैसे, काम करो। कहते हैं सर। मैं कहा काम करो, कौन देता है इतने पैसे यार 8,000 पर डे? कहता सर कैसी बातें करते। मैं नहीं, मैं कहा 2-3 हज़ार रुपये आओ यार सीधा, मतलब ऐसा करके यार उन्हें फोन ही रख दिया। वरना कभी बदलेगा ही नहीं ना ये जो मैं एक और किस्सा बताता हूँ आपको। 20 साल पहले की बात है, 20-25 साल। डायरेक्टर है पंकज पराशर, चालबाज वगैरह, बड़े डायरेक्टर मतलब सर। वो एड बना रहे थे नवताल ताले की, मेरा उसमें था चाबी घुमा के, कुछ ऐसा डायलॉग था, ऐसा करके उन्होंने मेरे को बुलाया गोपी ऐसे करके। प्रोडक्शन हाउस से फोन आया मुझे भी, ऐसे मैंने सुना था एड के पैसे बहुत मिलते हैं। 25 साल पहले की बात है, 20-25 साल भी पैसे बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं पैसे। तो ऐसे करके फिर मैं ना कह रहे भी, उन्होंने फोन आया, कह रहे सर कितने पैसे लेंगे? मैंने जोर लगा के कहा, मैं कहा 15,000। उसको सुनाई दिया 50,000। वो कहने सर 35 का हमारा बेटा। मैं डन, ओके, डन 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 डन, या दिस वन, या दिस वन। ये अच्छा होगा। जितने अच्छे तरीके से लोगों के किस्से बता रहे हैं, मेरे को लगता है सर आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हो सर। आप मिमिक्री करते हो या कभी आप ट्राई किए हो, जैसे राजा मुराद का कर दिया, अमरीश पुरी साहब का? नहीं नहीं, मिमिक्री नहीं आती। ट्राई कभी किया मेल मित्र साहब का? नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा कुलजी का, कुलभूषण खरवंदा का हो जाता है। एक बार करोगे सर? क्यों चाहते हो तुम, ऐसा कुछ बोलते थे राजा करे, क्यों नहीं चाहते तुम, कुछ ऐसा बोलते थे वो, ऐसा करके पूरा पीस के, पीस के यानी घोट के जिसको हम कहते हैं ना, मतलब उनका ये किस्सा भी बताते हैं। रजा मुराद तो किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं रबड़ी है, वो कहते जी इतनी गाड़ी नहीं है। देखा आपने मिर्जापुर? हाँ, रोल भी याद है मुझे, भूला नहीं हूँ मैं। आओ जरा मालिश कर दो। क्या किया है ना उसने।
है। अरे कुलभूषण से बहुत प्यारे, मेरे बहुत प्यारे, मेरे से बड़े हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, काम भी मैंने की उनके साथ, लेकिन बड़े मस्त आदमी, खाने पीने वाले। स्क्रीन पे कभी आपका कुछ ऐसा है कि अब जैसे कुलभूषण खरबंदा का कैरेक्टर जैसा मिर्जापुर में रहा तो थोड़ा सा असहज हो जाता है अगर सीनियर एक्टर को उस तरह के रोल करने हैं कि थोड़ा सा ऑफबीट रोल है, कि थोड़ा सा जिसमें कि बोल्ड जिसको कहा जाता है, या जिसमें थोड़ा सा सेक्सुअल टेंशन के साथ जो चीजें होती हैं, तो एज ए एक्टर कभी आपको होता है कि नहीं इस तरह के रोल मुझे नहीं करने, या एक्टर एज एन एक्टर आप ओपन है? देखो अभी तक किया तो नहीं मैंने, अभी तक तो नहीं किया, कोई ऑफर भी नहीं आया ऐसा मेरे को, पर थोड़ी एक जो स्क्रिप्ट की डिमांड है अभी उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं, वल्गर नहीं, वल्गर नहीं, वल्गर नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। मैं ये कह रहा था सर, आप मैंने मैं सेट पे भी मैंने आपको देखा है, एफआईआर के सेट पे भी आए थे आप अब बोलो मतलब मैंने ऑनलाइन देखा है सर। अच्छा ऑनलाइन, ऑनलाइन कि आप देखा है ना कभी? हाँ वही, आपने मुझे नहीं देखा, मैं ऑनलाइन देख रहा था कि आप वहां पे भी आपने पंजाबी डायलॉग पूरे बोले हैं। हाँ, प्योर पंजाबी, प्योर पंजाबी। हाँ, मेरे को डायरेक्टर साहब ने बोलते थे शशांक बाली जी, कह रहे प्योर पंजाबी में बोलो आप, जो एक हीर सी हीर गाते हैं ना, हीर आखदी जोगिया झूठ बोले, वो मेरे सारा पंजाबी में गाया था मैंने ऐसा करके सब। हाँ, नेक्स्ट नहीं नहीं तो ये डायलॉग आप खुद फिर इम्प्रोवाइज करते थे कि मैं आज, क्योंकि डायलॉग राइटर मेरे ख्याल सारे हिंदी में लिखे जाते हैं, लखनऊ के हैं वो। हाँ जी, हाँ। तो फिर आप उसको कन्वर्ट खुद मेरा होता था वो, पंजाबी में तो मेरा वाला। हाँ। उसकी रॉयल्टी मेरे पास है, मतलब ये इसका राइटर मैं हूँ आज। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं बोला, हम बैठ के डिस्कस करते थे। अच्छा। सब बैठ के डिस्कस करते थे, डायरेक्टर साहब बोल देते थे आप ये बोलना, ये बोलना, ये। सबसे बड़ी बात ये थी, डायरेक्टर पहले सीन पढ़ के सुनाते थे हमारे, शशांक बाली जी। हाँ, पहले वो पढ़ते थे, और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, जो पहले डायरेक्टर देखे हैं मैंने पूरे कैरियर में, जो एक्टर को क्यों देते थे शशांक बाली जी। हाँ जी, वो एक्टर को क्यों देते थे, मतलब जब मेरा क्लोज लगा हुआ है तो असिस्टेंट नहीं देगा क्यों, वो देंगे क्यों, कैसे वो एक जो आगे से मिलता ना, क्यों देना भी एक टैलेंट है, है। भी कैसे क्यों दे रहे हैं आप। हाँ जी, तो सर एफआईआर 2 कब आ रहा है? वो आप ये आई बात बॉस, आप आए मुद्दे पे। विनय कोहली जी, संजय कोहली जी, लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, ये तो चलो अभी बात हुई है, अभी एफआईआर 2 कब आएगा। तो मैं हमेशा इंटरव्यू में कहता हूँ, मैं कहता देखो भैया ये तो चैनल की बात है, और यही बात कविता कह के भी थक गई है, ये तो चैनल और प्रोड्यूसर का है सारा चक्कर है, पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप प्लीज़ सेकेंड सीजन जरूर लेके आइए। मैं इनकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं कह ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी काम करना है ना, है ना, तो ऐसा करके बनाइए। तो मेरे ख्याल से मेरी बात अगर उन तक पहुंच जाएगी तो पूरी टीम फिर इकट्ठे सब हो जाएंगे, तो मजा आएगा काम करके। ठीक है, नहीं सर, हम लोग उम्मीद करते हैं सर कि फिर से एफआईआर वापस आए, क्योंकि हम लोगों के जनरेशन ने उसको काफी एंजॉय किया है। अभी जो अभी की जो जनरेशन है ना, उनको भी पता चलना चाहिए कि आप क्या कमाल का एक्टर हो और क्या कमाल का काम आप करते हो। बॉक्स को मुझे लग रहा है प्रमोशन भी मिलना चाहिए इस बार। कमिश्नर बना दिया जाए। मैं यही कहना चाहूंगा, वेल आप सबसे मिलके लगा मुझे बड़ा अच्छा इज्जत, हसीना अगर मिसी रोटी है तो मैं हूं पराठा लच्छा इज्जत, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर ये आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करें। कैरी ऑन, या दिस वन। हाँ, या दिस वन।